है बालवीर को। ये ले, ये मेरा स्पेशल कलर है, स्पेशल बालवीर के लिए स्पेशल कलर। हाँ बालवीर स्पेशल है तो उनके लिए स्पेशल कलर तो होना ही चाहिए। की होली और भी यादगार बना दी। कितना अच्छा हुआ ना कि हमने परी लोक में भी होली मनाने का फैसला किया। हाँ, ये सब बालवीर की वजह से हुआ है। अगर ये नहीं होता हमारे साथ तो इस त्योहार की खुशियाँ आधी रह जाती। परियों, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई बालवीर। ये सब तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर यहाँ बारिश होती फूलों की, और भी आनंद आता। अच्छा ठीक है, हम आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। हमने इसका इंतजाम पहले से ही कर रखा है, वो देखिए। ये पूरा पानी गंदा है। तो आप चाहते हो कि हम इसे साफ कर दें? नहीं। अच्छा तो तुम इसे अकेले साफ करना चाहते हो? ओके। नहीं इडियट्स, अगर इस पानी को हाथ भी लगाए ना तो दिन भर खुजली करते रहोगे। आपकी? नहीं अपनी। बस अब इस गंदे पानी में मेहर को गिराना है। हम एक काम करते हैं, अभी जाते हैं और मेहर को यहाँ लेके आते हैं। ओके। चलो। ए इडियट्स, कपड़ा कौन लगाएगा? आप। मैं। मतलब हम तीनों मिलके डालेंगे। हाँ। चलो। नहीं नहीं जोएल, रुक जा। होली है और तूने मुझसे रंग नहीं लगवाया। नहीं मेहर, बस हो गया। प्लीज। ठीक है। मेहर दिखी? हाँ दिखी। वो क्या, इधर सामने ही तो है। शाबाश, तो अब टाइम पास मत करो, जल्दी से मेहर को उस टैंक के पास लेके चलो। ओके ओके। अभी तो तू बच गई लेकिन बाद में नहीं बचेगी। मेहर, होली खेलने में बड़ा मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू रानी। अरे थैंक यू तो तुम मुझे तब कहोगी जब मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा जहाँ सब लोग इससे भी मजेदार होली खेल रहे हैं। हाँ कहाँ? बस यही पास में। चलो एक मिनट, मैं मानव और कुकी को बुला के लाती हूँ। मानव और कुकी को तो रोहित के वो लेके आएंगे है ना? ये इडियट्स कहाँ रह गए? क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, मानव और कुकी को ना ये रोहित के वो लेके आएंगे। तुम चलो मेरे साथ। ठीक है। चलो चलो। बस अब मैं तुम्हें इस चादर के नीचे गंदे पानी के टैंक में गिरा। रॉनी, तुमने तो मुझे कहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। बस यही पे दे, तुम थोड़ा आगे चलो ना, यहाँ पे और भी मजेदार चीजें हैं। ठीक।
रॉनी, मैं तुम्हारे ही गार्डन में होली खेलने आई और मैंने तुम्हें रंग ही नहीं लगाया। मैं अभी तुम्हें रंग लगाती हूँ। रोनी, ये क्या रोनी, तू मैं कैसे बन गया? ये क्या हो गया मुझे? रोनी, तू तीन मिनट। अरे, मैं तो यार, तू सामने दो दो मिनट कैसे? तीन मिनट कहाँ से आ गए? ये सब क्या है? क्या है ये सब? भैया, केवल क्या हो रहा है यार? पता नहीं रोहित, लेकिन जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। अरे केवल, सामने अब दो दो मेहर है, अब इन दो मेहर में से हम किसको इस खुजली वाले पानी में डालें? अच्छा, तो ये रॉनी मुझे यहाँ खुजली वाले पानी में गिराने लाया था। बदमाश कहीं का। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। नहीं, अगर मैं बालवीर को बुलाऊंगी तो ये समझ जाएंगे कि मैं ही मेहर हूँ और फिर ये मुझे इस गंदे पानी में गिरा देंगे। मुझे कुछ और करना होगा। एक काम कर दे, दोनों को गिरा देते। मैं क्यों? मैं रोनी हूँ। पता नहीं मैं मेहर कैसे बन गया, लेकिन वो असली मेहर है, इसलिए उसे गिराओ। रे, मैं नहीं, देखो मैं असली रोनी हूँ, उसे गिराओ, वो असली मेहर है। Idiots, वो असली मेहर है, जाओ उसे गिराओ। Idiots बोला, यही असली रानी है। Don't, don't, don't. रोहित, वो रानी है। नहीं, 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 नहीं। अरे एक मिनट, हमें सही सही बता दो कि तुम दोनों में से कौन सी असली मेहर है, क्योंकि हमने रानी को कहा है कि हम उसे इस खुजली वाले पानी में डालेंगे तो डालेंगे। अरे इडियट, मैंने ही तुम्हें कहा था कि मेहर को गिराओ, तो गिराओ ना। नहीं, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम मेहर को गिराओ। आइडिया, हम काम करते, हम दोनों में से क्वेश्चन पूछते और जो सही आंसर देगा हम उसे पानी में गिराएंगे। अच्छा आइडिया। तो एक क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास चार आम है, उसमें से दो आम तुम्हें एक बच्चे को देना है, तो तुम्हारे पास कितने आम बचेंगे? इडियट्स, कितना आसान सवाल है, दो आम बचेंगे। मेरे पास तो चार ही आम बचेंगे, क्योंकि मैं अपने आम किसी को नहीं देता। यही है रानी और ये मेहर, क्योंकि इस मेहर ने तो समझदारी का आंसर दिया है। चल केवल, चल। नहीं, रोहित केवल। अरे इडियट्स, मुझे नहीं। अरे मुझे नहीं। बहुत खेल ली होली, अब थोड़ी मिठाइयां भी खा लेते। लड्डू किधर गया? दूसरी मिठाई ले लेता हूँ। हो क्या रहा ये? नटखट परी की शरारत भी खूब हो रही है।
डूबा डूबा चार, अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगी, अब तुम खा सकते हो। इस बार तो परीलोक में भी ये होली का नजारा बहुत अद्भुत है। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है हर पर्व पर। अब और क्या हो सकता है होली में? वहाँ देखिए, होली की शुभकामनाएं। अरे वाह 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 बालपरी, क्या खूब रंग बिखेरा इन चुलबुली तितलियों ने। हाँ माँ, इस साल की होली तो बड़ी ही अद्भुत है। शुक्रिया नटखट परी, मैं आपके जादुई रंग की वजह से पृथ्वी लोक में भी और परी लोक में भी होली मना पाया। माँ मेरी इच्छा है कि हम परीलोक की तरफ से और हमारी तरफ से पृथ्वी लोक में बच्चों के लिए होली की शुभकामनाएं भेजें। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बालवी, तुम्हारी ये इच्छा भी हम जरूर पूरी करेंगे। क्यों बालपरी? पूरी करेंगे नहीं नटखट परी, पूरी करती है। हा? क्या वो देखिए, गालपरी के गुब्बारे। हाँ, और अब ये गुब्बारे पृथ्वी लोक में जाके वहाँ के बच्चों को आपका संदेश दे देंगे बालवी। मेहर, ये तुम क्या कह रही हो? बिना जादू के ऐसा कैसे हो सकता है? तीन तीन मेहर कैसे बन सकती है? पता नहीं बालवीर, पर ऐसा हुआ है। बालवीर एक बात कहूँ, हुआ होगा ये शायद लटपटपरी के जादू रंग की वजह से। ये रंग की वजह से? हाँ बालवीर, मैंने जैसे ही ये रंग रोनी को लगाया तब रोनी मेहर बन गया। मेहर तुम मुझे ये रंग दिखाओ। हाँ बालवीर, ये लो। मेहर ये जादुई रंग है। जादू का? हाँ बच्चों, और इसी रंग की वजह से तुम जिसे ये रंग लगा रही थी वो तुम्हारे जैसा रूप ले रहा था। लेकिन तुम चिंता मत करो मेहर, ये रंग का असर कुछ समय बाद अपने आप हट जाता है और सब लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। शुक्रिया बालवीर। लेकिन अब मुझे रोनी रोहित केवल को सबक सिखाना होगा। हम लोग सबक सीख गए। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज। जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। हाँ समझ गए, प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं बालवीर, ये कुछ भी नहीं समझे, और इन्होंने पहले भी हमें सॉरी बोला था। हाँ तुम सही कह रहे हो मानो, मैंने तुम तीनों को सुधरने का एक मौका दिया था लेकिन फिर भी तुम तीनों नहीं सुधरे, और इसीलिए तुम्हें इस गलती की सजा तो मिलेगी। हाँ बालवीर, मैं जो कांप रहा था वो इन तीनों के वजह से, इसलिए मैं तो कहता हूँ खुजली करते करते ये तीनों आधे बंदर बन ही चुके, क्यों ना तुम इन्हें पूरा बंदर बना दो। हाँ बालवीर, ये सही कह रहा है। तुम्हारी वजह से बच्चों को कितनी तकलीफ हो सकती थी जानते हो? और बच्चों को तकलीफ हो ये बालवीर कभी सहन नहीं कर सकता। हे नटखट परी, बुराई की जगह अच्छाई जाए सबके अंदर, रोनी रोहित केवल तीनों बन जाए बंदर। होली मना मालवी, हम सब बहुत थक गए, हम सबको बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात, बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, और वैसे भी खाने पीने के बिना होली तो अधूरी है। तो हाँ
चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तब तक ये खाना कभी खत्म नहीं होगा। तो शुरू हो जाओ। बालवीर जाऊं मैं भी? हाँ जरूर। हाँ हाँ रोनी रोहित केवल होली प्यार और दोस्ती का त्योहार, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसे बच्चों को बिल्कुल परेशान मत करना। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, सॉरी सॉरी, कभी नहीं बाबा। हे नटखट परी, इन तीनों ने मेरी बात समझी, इसलिए ये तीनों हो जाए सही। मैं तुम सब लोगों से माफी मांगता हूँ और तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। पालवी जी, क्या हम भी खाएं? हाँ जरूर। अरे वो देखो गुब्बारे। मैं जानता हूँ परियों कि बच्चों के लिए होली का ये संदेश आप सब परियों की तरफ से है। अरे हूँ दिखता बस मैं छोटा, लेकिन है मेरे काम बड़े बड़े। अच्छा? अरे बुरी से बुरी शक्तियाँ है आती मेरे सामने डरने से। अच्छा? अरे इतना ही नहीं, भयंकर परी है मालूम, भयंकर परी तक को की आएगी वो मेरे सामने तो कर दूंगा मैं उसका भी खात्मा। हाँ भयंकर परी आप यहाँ? कर दो मुझे माफ, कर दो मुझे माफ, हो गई गलती मुझसे, लग रहा डर मुझे आपसे, लग रहा डर मुझे आपसे। अरे डरते हो तुम भयंकर परी से अभी भी, जिसका हो चुका है अंत। खामोश। देखो डुबा डुबाओ। नहीं आने वाला मैं तुम्हारे इस बार झांसे में, पुणे में डरता किसी से। अजीब से आवाज है इन पेड़ों से, लगता मुझे आने वाला परीलोक पे कोई भारी संकट। हाँ चलो परियों के पास। हाँ होगा, बताना उन्हें हमें इसके बारे में। चल 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 चलो। परी बाग में पेड़ क्यों हिल रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि परीलोक में कुछ गड़बड़ होने वाली है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.